बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी BSc का पार्ट है। ये लेक्चर नंबर 15 है। इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, रैम, डायनेमिक एंड स्टैटिक रैम, रोम, रैम विज रोम, कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। चलें स्टार्ट करते हैं। मेमोरी, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन मेमोरी टू बी एग्जीक्यूटेड। डाटा और इंस्ट्रक्शन जो भी है वो मेमोरी में ही एग्जीक्यूट होती है। हर काम मेमोरी के थ्रू ही होता है। दिस मेमोरी इज़ टेम्प्रेरी स्टोरेज यूनिट फॉर डाटा। ये आर्जी तौर पर डाटा को स्टोर करने के लिए एक यूनिट होता है। ये खाना होता है, एक डिब्बा होता है या एक स्पेस होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज, और ये प्राइमरी स्टोरेज भी कहलाता है। इट कंजिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर एक से ज़्यादा चिप्स हो सकती है मेमोरी की। मेमोरी स्टोर द फॉलोइंग थ्री टाइम आइटम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मेमोरी में जो विंडो लोड होती है या मैक या कोई और एंड्रॉयड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मेमोरी में पहले लोड होता है। फिर उसके ऊपर जो एप्लीकेशन चलती है, मसलन हम फेसबुक चलाते हैं, गूगल चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ल्ड कोई भी चलाते हैं तो वो भी मेमोरी के थ्रू। और फिर काम करने के बाद जो डाटा सेव रहता है, मसलन व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है या वॉइस मैसेज कोई भी, तो वो हमारी मेमोरी में सेव रहता है। तो वो डाटा को मज़ीद प्रोसेस करने के लिए वो डाटा सेव रहता है। और ये तीन काम मेमोरी के थ्रू ही होते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी एज बाइट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। बाइट्स के लिहाज से डाटा सेव होता है और एग्जीक्यूट होता है। ईच बाइट इज अ मेमोरी एज इज यूनिक एड्रेस। हर मेमोरी का एक यूनिक एड्रेस होता है। देयर आर टू मेन कंप्यूटर मेमोरी, एक को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो कि बिजली की सप्लाई बंद होने पर वो डाटा ख़त्म हो जाता है, उसको वोलेटाइल कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल जो बिजली की सप्लाई बंद होने पर भी वो डाटा ख़त्म नहीं होता, उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वोलेटाइल मेमोरी लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी कि अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो वो मूवी जो चल रही है वो तो एक तरह का डाटा लोड हो रहा है मेन मेमोरी से, हमारे सामने आ रहा है लोड होके। जैसे ही उसकी पावर ऑफ होगी, वो जो मूवी या गाना या सॉन्ग या कोई प्ले हो रहा है जो भी चीज़, और लाइट बंद होने पे वो ख़त्म हो जाएगा वो डाटा। ओरिजिनल चीज़ जो है वो मेन मेमोरी में ही रहेगा, यानी कि हार्ड में। और जो लोड हो के आज ही तौर पर टेम्परेरी तौर पर वोलेटाइल मेमोरी में आई थी वो ख़त्म हो जाएगी। और नॉन वोलेटाइल इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। और यानी कि कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए लेकिन वीडियो जो है वो फिर भी मौजूद है, और बाद में हम फिर उसको प्ले करके देख सकते हैं। लेकिन जो प्ले हो रही थी रन टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगी उसको। ये ऐसा नहीं है कि हम दोबारा पावर कंप्यूटर ऑन करें तो वो वैसे ही प्ले हो रही होगी, नहीं, बल्कि हमको दोबारा उसको प्ले करना पड़ेगा। वोलेटाइल जो बिजली बंद होने पे डाटा लॉस हो जाए, और नॉन वोलेटाइल जो नहीं लॉस होगा उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वोलेटाइल विज नॉन वोलेटाइल, ये रैम है जो कि आर्जी तौर पर हार्ड से चीज़ें उठाकर रैम में आती है, और यहाँ सारा कुछ एग्जीक्यूशन हो रही होती है इस मेमोरी में। और ये पावर ऑफ होने पर इसमें से जो जो डाटा होता है वो सारा लॉस हो जाता है और ये फिर क्लियर हो जाती है। और ये जो है ये बिजली ऑफ होने पर भी कुछ नहीं होता, ये उधर की उधर पड़ी रहती है। इसके अंदर जो वीडियो, गाने, जो भी जितना भी फाइल डाटा पड़ा हुआ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो लाइट ऑफ हो या ऑन हो ये उधर ही सेफ रहता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स डैट ईच इंडिविजुअल बाइट्स इन द इंटायर मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन टू रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। यानी कि वो कह रहा है कि ये डायरेक्ट जो मेमोरी रैम में आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए, ये डायरेक्ट उससे एग्जीक्यूशन हो रही होती है। रैम इज़ टेम्परेरी मेमोरी, और ये टेम्परेरी होती है।
वैन द पावर इज टर्न ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी इज लॉस्ट, वो लॉस्ट हो जाए, वोलेटाइल मेमोरी है ये, उसकी एग्जांपल है जो हमने पहले भी देखी है। अब रैम के दो टाइप हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम, डायनेमिक स्टैंड फॉर डायनेमिक डी रैम फास्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज टाइप ऑफ मेमोरी डैट इज यूज टू मोस्ट कंप्यूटर, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। यानी कि दो टाइप है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। ये ज़रा सस्ती होती है स्टैटिक वाले से, और ये ज़रा स्लो होती है। स्टैटिक वाली थोड़ी महंगी होती है और वो फास्ट होती है। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट कैन स्टोर वैल्यू विदाउट एनी नीड टू रिफ्रेश डाटा। और एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव, डज नॉट नीड टू पावर रिफ्रेश, सीपीयू डज नॉट नीड टू एक्सेस डाटा। और ये एक तरह की बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नोन एज कैश मेमोरी। तो ये उससे थोड़ी तेज होती है और महंगी होती है। इनका आपस में डिफरेंस है, एस रैम जो कि स्टैटिक है फास्ट होती है और महंगी होती है, फास्ट महंगी, और डू नॉट नीड टू रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है और यूटिलाइज करता है पावर को। और ये कम्प्लेक्स इज मोर कम्प्लेक्स एंड लेस कम्पैक्ट, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है उसकी नस्बत से। और ये क्या होता है, ये स्लो होती है और लेस एक्सपेंसिव होती है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये लेस एक्सपेंसिव होती है, लेस कम्प्लेक्स होती है। रीड ओनली मेमोरी रोम, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज, दिस इंस्ट्रक्शन कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी चेंज एंड डिलीटेड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शन इन टू रोम। यानी कि जो एक दफ़ा उसके ऊपर लिख दिया गया, जो डाटा छाप दिया गया, जो डाटा फिल कर दिया गया, वो पक्का हो गया, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। रोम एज रोम। रैम और रोम का आपस में डिफरेंस, रैम टेम्परेरी है और रोम परमानेंट है। रैम इन डाटा टू बोथ रीड एंड राइट, ये राइट और राइट करने के लिए होता है, ये सिर्फ रीड करने के लिए होता है, उसके ऊपर राइट नहीं कर सकते। रैम के इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कंटिन्यूसली वो एग्जीक्यूट हो रही है, डाटा प्रोसेस हो रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इस लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है कि आप रीड भी करें और राइट भी करें। रैम में जब पावर ऑफ होती है तो आर प्रोग्राम डाटा रेज्ड, वो सारा डाटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, कोई डाटा रेज नहीं होता, बल्कि हर चीज़ उधर की उधर पर रहती है। इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न इन टू द रैम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम पर होती है राइट, इंस्ट्रक्शन आर रिटर्न ऑन द रोम मैनुफैक्चरिंग टाइम, और ये मैनुफैक्चरिंग टाइम के वक्त लिखा जाता है जो अभी उसके अंदर कोडिंग की जाएगी। कैश मेमोरी, कैशे मेमोरी, एक कैशे प्रोनाउंस्ड कैश इज अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी। ये भी रैम की तरह एक होती है, लेकिन बहुत उससे भी तेज होती है और बहुत थोड़ी होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, उससे कम रैम और उससे भी कम कैशे। इट इज़ डिज़ाइन टू स्पीड अप द ट्रांसफ़र ऑफ द डाटा इंस्ट्रक्शन, इसको सिर्फ स्पीड के हवाले से ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि स्पीड तेज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया। लोकेटेड इनसाइड द क्लोज टू सीपीयू चिप, ये सीपीयू चिप्स के करीब लगी होती है। The data and instruction data are most recently most frequently used by the CPU are stored in the cache. ये मेन मेमोरी है और ये कैशे और सीपीयू। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी आल्सो कॉल्ड फ्लैश रोम, फ्लैश रैम। इट इज़ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट कैन बी रेज इलेक्ट्रोकॉनिकल एंड प्रोग्राम। यानी कि एक नॉन वोलेटाइल है और लेकिन ये रीड भी और राइट भी हो सकता है, इसको हम फ्लैश मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। जो हम मेमोरी कार्ड डालते हैं उसको हम, यानी कि पहला अगर मूवी डा पड़ी हुई है तो हम उसको डिलीट करके नया डाटा भी एंटर कर सकते हैं।
ये इसकी पिक्चर, ये छोटा सा क्विज है, इसको देख के हल कर लीजिएगा और इसके आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।